नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। सरहुल में शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर विभिन्न शरणा समितियों, धार्मिक, सामाजिक और आदिवासी संगठनों के साथ उपायुक्त रांची की अध्यक्षता में रांची समाहरणालय स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई। 17 मार्च को हुई बैठक के बाद कोरोना वायरस के प्रभाव के मद्देनजर शोभा यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित करने को लेकर बैठक में निर्णय लेना था। संगठनों के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण शोभा यात्रा को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। उपायुक्त ने संगठनों से लोक हित में सर्वसम्मति से फैसला लेने की एक बार फिर से अपील की है। उन्होंने कहा है कि यदि वायरस कम्युनिटी स्टेज तक पहुंचता है तो धारा 144 लगाई जाएगी। इधर विभिन्न संगठनों ने समाहरणालय स्थित सभागार में शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर विचार विमर्श किया। बैठक में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उराव ने सभी से लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा। संगठनों द्वारा अंत में निर्णय लिया गया कि फिलहाल सरहुल को लेकर तैयारियां जारी रहेगी। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए शोभा यात्रा निकाले जाने से कुछ दिन पूर्व इस पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर लोकेश मिश्रा, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, कोतवाली डीएसपी सहित विभिन्न शरणा समितियों, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे। निकलना है अथवा नहीं निकलना है, अभी जो स्टेट का जो बात हो रही है कोरोना का, हम लोग देख लेते हैं कि कैसा इसका परिस्थिति आता है एक दो दिन के अंदर में, उसके बाद हम लोग जरूर से एक या दो दिन बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अपील की थी सभी सामाजिक संगठनों से कि इस बार सरहुल शोभा यात्रा का महिमा को देखते हुए ना करें, लेकिन वो नहीं मांगी गई। हम लोगों ने फिर से बोला है कि अगर कम्युनिटी स्टेज पे पहुंचता है कोरोना वायरस जो स्टेज 3 पे, तो फिर हम लोग को शायद 144 वगैरह लगाना पड़े। लेकिन अभी के स्टेज में कम्युनिटी का कोई भी समर्थन इसमें नहीं निकल के आया है कि इस बार सरहुल की शोभा यात्रा ना निकले। सर, कई संगठन इसमें तैयार हैं कि वे शोभा यात्रा नहीं निकाले, उसकी उनके जो डिसीजन है उसकी हम सराहना करते हैं और हम यही चेष्टा करेंगे कि सभी जो हैं एक सर्वसम्मति से उस पर निकाले।